शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नवरात्रों के पावन पर्व पर डांडिया महोत्सव का आयोजन हरि मंदिर बारात घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। डांडिया महोत्सव में समस्त मात शक्तियों ने खूब सज धज कर सोलह सिंगार करके भाग लिया। संस्था प्रतिवर्ष डांडिया महोत्सव का आयोजन कई वर्षों से कराती आ रही है। संस्था की अध्यक्ष राशि पाराशरी एडवोकेट ने बताया कि हर महिला में देवी के रूप होते हैं। देवी के अनेकों रूप समस्त माता शक्तियों में विद्यमान होते हैं। वो घर का भी काम करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं और साथ ही परिवार पर यदि संकट आता है तो माता के रूप धारण कर हर संकट से परिवार व समाज को सुरक्षा प्रदान करती हैं। वास्तव में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। जरूरत है तो सिर्फ अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने की। कार्यक्रम में डांडिया क्वीन अंजना सिंह चुनी गई, फर्स्ट रन अप नीति सक्सेना व सेकंड रन अप प्रियंका गुप्ता चुनी गई। कार्यक्रम में बबीता शर्मा, कंचन रावत, वाणी पाराशरी, अंजना सिंह, डिंपल, विनीता दीक्षित, माही, सोनिया, रीना, मोनिका आदि समस्त मात शक्तियों का सराहनीय योगदान रहा। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। मैं शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि विदित है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत पावन दिन है ये, तो इसी के उपलक्ष्य में हमारी संस्था शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी हर साल डांडिया का कार्यक्रम आयोजित करती है। आज भी हमने हरि मंदिर बारात घर में इस कार्यक्रम को बड़ा अच्छे से आयोजित किया है। सारी मातृशक्तियाँ हमारी बड़े सोलह सिंगार करके आई हैं, क्योंकि कहा गया है कि सोलह सिंगार से माता रानी बहुत खुश होती हैं, सुहाग उनकी अखंड वो है। तो इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए माता रानी को खुश करने के लिए आज हम सभी मात शक्तियाँ एकत्र हुई हैं और डांडिया का कार्यक्रम आयोजित कर बरेली के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी। देखिए, नवरात्रे माता के नौ रूप और हर महिला में नौ रूप समाहित हैं, क्योंकि नारी को शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। कहा भी गया है कि सलमा सितारे भी क्या करते जहाँ में आकर, नारी ने यदि उन्हें अपना दामन न दिया होता। नारी वह शक्ति है, नारी वह हस्ती है जिसमें बहुत शक्ति है। ज़रूरत है तो अपनी शक्तियों को पहचानने की, अपने आप को ललकारने की। तो मैं सभी मां शक्तियों से यही अनुरोध करूँगी, कहीं भी कोई विपदा आए, डरे नहीं, हर चीज़ का मुकाबला करें, डट के करें और पहचानें कि अपने अंदर बहुत शक्तियाँ हैं और वह सब कुछ कर सकती हैं। मैं ज़रूरत है तो उन्हें आगे आने की, आगे बढ़ने की। धन्यवाद। अंजना सिंह है और मैं बहुत खुश हूँ कि शशि जी ने ये कार्यक्रम, शशि थोड़ी है इनका नाम, हाँ वो माता जी का नाम याद आ जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ एकत्र हैं। तो राशि जी का नाम भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। और इतना अच्छा लग रहा है, कई सारे कार्यक्रम में जाने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ घर जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे मिल जाती है कंचन, डिंपल और जिन जिनके भी नाम याद नहीं आ रहे वो सब मिल जाते हैं। तो खुशी वहीं मिलती है जहाँ अपना परिवार है। और जैसा कि राशि जी ने कहा कि हम जो महिलाएं हैं किसी देवी से कम नहीं, जैसे कि उनके नौ हाथ हैं तो हमारे भी नौ हाथ हैं। कैसे? एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में देखो डांडिया है, एक हाथ से हम बेलन चला रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं और साथ में पति की डांट भी लगा रहे होते हैं। तो हमें नौ से भी, यानी हम लोगों में दस गुण हैं। तो सारी महिलाएं अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें। इसी तरह के जब कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित ज़रूर हों, चाहे कितने भी बीमार हों। मेरी तरह मैं देख के नहीं लग रहा लेकिन थोड़ी बीमार हूँ, फिर भी हिम्मत करो, उठो, घर से निकलो, चूल्हे चौके से बाहर आओ और हमारे शशि वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रमों में जो अक्सर होते रहते हैं, तीज क्वीन सारे इवेंट ये करती हैं।